नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रे मैटर्स 2.0 में। और हमारी आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप टेलीग्राम पे ऊपर किसी भी यूजर से एक बॉट के थ्रू अनोनिमसली कैसे बात कर सकते हैं, वो भी बिना अपने टेलीग्राम अकाउंट में लॉग इन करे, सिर्फ एक टूल का इस्तेमाल करके, जो कि एक टूल आपको वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाता हूँ। तो मेरे ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आपको इस वेबसाइट को अपने ब्राउजर के अंदर ओपन करना है और इस वेबसाइट पे आपको यहाँ पे टूल्स सेक्शन के अंदर आना होगा। और यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा टेलीग्राम अनोनिमस मैसेजिंग का। आपको इस सेक्शन को ओपन करना है और फिर स्क्रॉल डाउन करना है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट में यहाँ दिख रहा होगा बॉट टोकन और यूजर आईडी, किसी भी यूजर से बात करने के लिए। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी यूजर से बात करने के लिए बॉट के थ्रू, वो भी अनोनिमसली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक बॉट फादर से मिला हुआ आपको बॉट टोकन चाहिए होगा। देखो, अगर आप बिल्कुल नए यूजर हैं और आपको नहीं पता कि बॉट फादर पे बॉट कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको यहाँ पे बॉट फादर पे सर्च करना है और यहाँ पे न्यू बॉट क्रिएट कर लेना। और मैं यहाँ पे कोई भी इसको नाम दे देता हूँ और मैं इसको लास्ट में बॉट नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरे को मिल गया बॉट टोकन, मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद जिस यूजर से आप बात करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पे एक कंडीशन है कि वो उस यूजर जो है इस बॉट की चैट को ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हो। तो मैं इसको अपनी मेन आईडी से यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ और इसी बॉट को मैं अपनी दूसरी आईडी से यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। ये मेरी ग्रे मैटर्स ओनर वाली आईडी है और मैं इसके अंदर यहाँ पे इसे सर्च कर लेता हूँ। ये बॉट आ गया, मैंने इस बॉट को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास, मैंने अपनी दूसरी आईडी से इस बॉट को स्टार्ट कर दिया है। अब मेरे को जिस आईडी, जिस यूजर से आपको बात करनी है, आपके पास उस यूजर की आईडी होनी चाहिए, यूजर आईडी। यूजर आईडी को सर्च करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे रोज बॉट का इस्तेमाल करें और स्लैश आईडी कमांड देके आपको यहाँ पे उस यूजर की आईडी मिल जाएगी, मतलब उस अकाउंट की आई। ठीक है, और मैंने ये यूजर की आईडी यहाँ पे डाल दी। अब इसके बाद मैं अपना यहाँ पे मैसेज टाइप करूंगा, जो भी मैसेज मैं उस यूजर को भेजना चाहता हूँ इस बॉट के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो और यहाँ पे सेंड मैसेज के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे अपना टेलीग्राम देखूंगा और यहाँ पे बॉट चैट को मैं ओपन करने की कोशिश करता हूँ। देखो, यहाँ पे मेरे को बॉट की तरफ से मैसेज आया है हेलो। ठीक है, और अभी देखो मैं क्या करता हूँ, साइड बाय साइड आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों चीज साइमेंटेनियसली हो रही है। मैं एक साइड यहाँ पे आपको टेलीग्राम रख देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे अपना दूसरा मैसेज टाइप करता हूँ। मैंने यहाँ पे डाला हाय और देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे को हाय मैसेज यहाँ पे आ चुका है। अब मान लो ये यूजर रिप्लाई करता है कौन कौन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे व्यू रिसीव्ड मैसेज के ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रे मैटर्स, मेरी जो फर्स्ट नेम है इस आईडी का ग्रे मैटर्स, वो यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे टाइम आ रहा है, डेट आ रही है और यहाँ पे मेरा मैसेज आ रहा है कि कौन। ठीक है, अब इसने मेरे से पूछा कौन, तो मैं यहाँ पे कुछ भी, आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आई एम ग्रे मैटर्स, बस ऐसे ही फालतू की चैट करने के लिए। देखो मेरे को यहाँ पे एग्जैक्ट वही सेम मैसेज जो मैंने यहाँ पे टाइप किया था वो यहाँ पे यूजर को मिल गया। अब मैं यहाँ पे फिर से कुछ डालने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ पे ओके डाल देता हूँ। अब देखते हैं ये व्यू रिसीव्ड मैसेज में आया होगा या नहीं। अगेन क्लिक करते हैं इसके ऊपर, तो देखो यहाँ पे हमारा ओके मैसेज भी यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से ये टूल वर्क करता है, आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे दो ही चीजें की जरूरत होगी, यहाँ पे एक तो बॉट टोकन और दूसरा जिस यूजर से आप बात करना चाहते हैं उस यूजर की टेलीग्राम आईडी। हमारी आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस टूल को डेवलप करने के लिए थैंक्स कहना चाहूंगा मैं किसको, सुमन को, उन्होंने इस टूल को डेवलप किया है।